सबसे पहले तो सभी प्रेस के साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, आज आप इस प्रेस वार्ता के अंदर आए। आज मुख्य रूप से तीन चार बिंदुओं के ऊपर हमारा आज की प्रेस वार्ता करने का मकसद था। पहला तो 27 जुलाई को हमारे जो विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं देवान जी, कैप्टन अजय यादव जी, हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी रहे आदरणीय राज बब्बर जी और हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का एक कार्यक्रम यादव भवन में सुबह 10 बजे होने जा रहा है। अभी जितने भी ज़िले हमारे हुए हैं जहाँ पर लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता धन्यवाद सम्मेलन कर रही है, तो उसी के तर्ज के ऊपर वहाँ पर हो रहा है। तो आपके माध्यम से जितने भी हमारे रेवाड़ी के लोग हैं, ज़िले के लोग हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंदर आएँ। इसके साथ साथ आप लोगों को भी मैं अपनी तरफ से निमंत्रण देता हूँ कि आप भी उस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाएँ और उसको कवर करें। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अब की बार लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतरीन रहा। पिछली बार जहाँ लोकसभा चुनाव में हम एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, अब की बार कांग्रेस पार्टी ने 5 लोकसभा सीट जीती और अगर आप यहाँ का नतीजा देखेंगे तो यहाँ का नतीजा भी बहुत अच्छा रहा। हमारे प्रत्याशी को 7,30,000 से ज़्यादा मत मिले जो कि पिछली बार से करीबन 2.5 लाख ज़्यादा थे, तो उसके लिए हम आभार प्रकट कर रहे हैं हमारी जनता का। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज प्रदेश पूरी तरीके से त्रस्त है, चाहे बेरोज़गारी हो, महंगाई हो। आप देख रहे हैं जिस तरह से आए दिन हम धरने प्रदर्शन देख रहे हैं, काफ़ी करीबन 20 दिनों से हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर के साथी हैं वो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। आज ही आप लोग देख रहे होंगे हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ आज कोई भी डॉक्टर वहाँ पर नहीं आए, नर्सेज वहाँ पर नहीं आई हैं। मेरी अभी बात हो रही थी, 4 डेड बॉडीज़ हैं जो वहाँ पर अभी रखी गई है जिनका पोस्टमार्टम करने के लिए कोई डॉक्टर वहाँ नहीं है। और जो मांग भी वहाँ पर हमारे डॉक्टर साथी रख रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब मांग है। आज से पहले भी उन्होंने पेन डाउन की आज से 10 दिन पहले स्ट्राइक करी थी, तब भी उन्होंने चेताने का काम किया था। हमने भी लगातार सरकार को विधानसभा सत्र के अंदर चेताया है कि डॉक्टरों की बहुत भारी कमी हरियाणा के अंदर है। आप लोगों ने भी देखा होगा पिछले समय में 20 डॉक्टरों की कमी हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर थी। और जो मांग है हमारे डॉक्टर साथियों की वो भी बहुत वाजिब है। एक तो जो बॉन्ड लिया जाता है मेडिकल के अंदर वो 1 करोड़ रुपए है, उसको उन्होंने मांग ये रखी है कि उसको घटाकर 50 लाख किया जाए। उसके साथ साथ जो SMO की डायरेक्ट भर्ती की जाती है उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जो डॉक्टर हैं जो क्लास 1 है उनकी भर्ती में जो उनकी प्रमोशन है वो नहीं हो पाती, क्योंकि डायरेक्ट सरकार जो है भर्तियाँ ऊपर से कर देती है जिस वजह से उनकी प्रमोशन में रुकावट हो जाती है। इसके साथ साथ आप देखिए जितने भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो विशेष कार्डर से आते, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट है या न्यूरोसर्जन है या आपका गायनोकोलॉजिस्ट है, उसको कोई विशेष इनकी तरफ से सरकार की तरफ से उनको कोई भत्ता नहीं मिलता है। ये उन्होंने 3-4 अपनी प्रमुख रूप से मांग रखी है, तो उन सभी मांगों का हम लोग समर्थन भी करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से कोरोना काल के दौरान भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे देश को अगर बचाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान रहा तो हमारे डॉक्टरों का रहा। तो हम उनकी सारी मांग जो रही है उनको हम पुरजोर तरीके से उनका समर्थन भी करते हैं। मेरी लगातार बात भी हुई है सरकार से कि इन मांगों को मानना चाहिए और आने वाले समय में जब विधानसभा का सत्र आएगा उन मुद्दों को हम उठाएंगे भी। इसके साथ साथ क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी 3 दिन पहले बजट भी आया है और चुनावी वर्ष होने के बावजूद भी जिन प्रदेशों में चुनाव है, चाहे हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, उन स्टेटों को जिनकी सरकारों ने बहुत मांगे रखी थी सरकार से, उनको ना मांगते हुए केवल मात्र ये सरकार बचाओ अभियान की तरह ये बजट रह गया। बिहार को इन्होंने विशेष पैकेज देने की बात की थी उससे तो उन्होंने इनकार कर दिया, पर उनको जो उन्होंने ग्रांट दिया है उसका हम समर्थन तो करते हैं। पर साथ के साथ हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने विशेष पैकेज की मांग की थी उसको पूरी तरीके से उन्होंने नकारते हुए हरियाणा को इस पूरे बजट में कुछ ना मिलना ये दर्शाता है कि हरियाणा से इनको कोई सरोकार नहीं है। लोगों को बहुत उम्मीद थी कि जिस तरह से बेरोज़गारी आज प्रदेश के अंदर देश में कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है उसके अंदर कहीं कटौती की जाएगी, पर आप देखिए रोज़गार के नए अवसर लाने के लिए इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए।
महंगाई आज किस चरम के ऊपर है उसके अंदर इन्होंने कोई कटौती नहीं की। बहुत लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद एलपीजी गैस के अंदर ये कटौती करेंगे, उसके अंदर कोई कटौती नहीं हुई। और टैक्स स्लैब भी आप देखेंगे उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं इन लोगों ने किया। तो मुझे लगता है एक जो राहत की लोग उम्मीद कर रहे थे इस बजट से, उसके अंदर उनको कोई मदद नहीं मिल पाई। एक बहुत पुरानी मांग हमारे प्रदेश की थी SYL की, अब की बार तो SYL का नाम भी नहीं था केंद्रीय बजट के अंदर। ये दर्शाता है कि इनको हरियाणा से कोई इनको सरोकार नहीं है। लोगों को बहुत उम्मीद थी कि हमें पानी का जो हक है जिसके लिए हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं उसके अंदर हमें कोई फ़ायदा मिलेगा, और उसके अंदर कोई इन्होंने नहीं दिया। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि 3 करोड़ घर देने की जो बात थी उसका कोई इसके अंदर जिक्र नहीं है। इसके साथ साथ जो MSP की बहुत लंबी लड़ाई हमारे किसान भाइयों ने लड़ी थी, जिसके लिए इनको आश्वासन भी दिया था सरकार की तरफ से, उसके बाद ऊपर कोई एक शब्द भी नहीं कहा गया। ये दर्शाता है कि इस सरकार को किसानों से कोई सरोकार नहीं है। छोटे व्यापारियों को भी बहुत उम्मीद थी कि उनको लोन देने के अंदर जो प्रक्रिया होगा उसको आसान किया जाएगा या उनके लिए कोई नई योजना लेकर आएंगे, पर उसके अंदर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो मेरा ये मानना है ये जो बजट है बड़ा निराशाजनक रहा है, और एक दिशाहीन बजट हम इसको कह सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा निराशा लोगों के प्रति है। ये लगातार चल रहे हैं धन्यवाद सम्मेलन सब जगह चल रहे थे। ये पहले 30 तारीख को होना था, पर उस समय कोई एक मेरी ज़रूरी मीटिंग आ गई थी राजस्थान में, जिस वजह से मुझे उस वक्त धार जाना पड़ा, और उसके बाद की जितनी भी डेट्स थी वो दे चुके थे। अभी हमारे बाद कल सिरसा का कार्यक्रम है, उसके बाद एक पलवल का भी कार्यक्रम बचा है, और एक ये रेवाड़ी का कार्यक्रम है। तो ये कुछ ज़िले बच गए थे। बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा पदयात्रा का कार्यक्रम भी, जो हरियाणा मांगे हिसाब भी चला हुआ है जो दीपेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में हो रहा है, तो वो कार्यक्रम होने की वजह से इसके अंदर कोई डिले हो गया। और मुझे लगता है अभी तो चुनाव हुए हुए करीबन 1.5 महीना ही हुआ है, तो सारे ज़िले क्योंकि इतने हैं उसको करने में समय लग जाता है, इस वजह से इसमें थोड़ी देरी होगी। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10 साल से BJP की सरकार सत्ता के अंदर यहाँ पर है, और हमारे अपने यहाँ से PWD मिनिस्टर हैं डॉक्टर बनवारी लाल। हमारा हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम बावल के अंदर ही था, और हमें बड़ी शर्म महसूस हो रही थी कि जब हमारा अपना PWD का मिनिस्टर है तब सड़कों का ये हाल है। तो मुझे लगता है 10 साल का वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई काम इस इलाके के अंदर ना कराना, कोई नई परियोजना ना आना, ये दर्शाता है कि लोग इस बात का है तो हिसाब लोग मांग रहे हैं BJP सरकार से कि 10 सालों में आप लोगों ने हमें क्या दिया। हमें 10 सालों के अंदर बेरोज़गारी के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया, महंगाई जो इन्होंने किस कदर बढ़ा दी, आप देखिए टूटी हुई सड़कें आपको शहर में हर जगह नज़र आएंगी, गंदगी के ढेर नज़र आएंगे, बेसहारा पशु नज़र आएंगे। और ये तो इनकी तब ये हालात हैं जब इनकी तीनों जगह इनकी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार ये कहते हैं, जब ये नगर परिषद इनका है, केंद्र सरकार इनकी है, राज्य सरकार इनकी है, उसके बावजूद भी आज जो हालात हमारे यहाँ पर है इसका जवाब तो देना पड़ेगा BJP को आने वाले समय में। और जो हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम जो हम चला रहे उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये बताएं कि इन्होंने जो वादे किए थे, चाहे 2 करोड़ रोज़गार देने की बात थी जो इन्होंने कहा था, या ये कहा था कि भाई हरियाणा को विश्व स्तर के ऊपर लेके जाएंगे, आज आप बताइए हरियाणा की क्या हालात है। थोड़ी सी बारिश होने के बाद भी आज शहर डूब जाते हैं, आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा होगा रेवाड़ी में थोड़ी बारिश हुई आधे घंटे की, उसके अंदर पूरा शहर डूब गया। ये तो मैं कहूँगा कि लोगों की कुछ बदकिस्मती है हमारी कि वर्षा नहीं हुई जिससे लोगों से किसानों को नुकसान हो रहा है, पर शहर के लोगों को राहत मिली कि अगर ये बारिश और ज़्यादा हो जाती तो कितनी ज़्यादा तकलीफें लोगों को आए दिन होती, ये तो हम सबके सामने। BJP की मैं वही बताता हूँ ना, आज केंद्र में भी सरकार BJP की है, आज राज्य में सरकार भी BJP की, और यहाँ भी सरकार BJP में है। आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी धारवाड़ा की उस समस्या का कोई ये समाधान नहीं कर पाए, तो ये इस बात का जवाब जो हम हरियाणा मांगे हिसाब मांग रहे हैं वो यही तो मांग रहे हैं कि इन्होंने 6 महीने के अंदर क्या कदम उठाए। 5 साल तो आपकी सरकार थी, नहीं मेरी मेरी देखिए देखिए रेवाड़ी से आता है धारवाड़ा में, वो आपकी सरकार थी, आपके पास देखिए देखिए हमने लगातार उस मामले को राज्य सरकार के अंदर उठाया था, पर ये समस्या हमारी है, हमने हमारी प्रदेश सरकार के ने इसके लिए क्या किया, हमें STP बनाना चाहिए था, जब हमारे यहाँ पानी आता है तो उसको ट्रीट हमें करना चाहिए था और ट्रीट करके उसको ड्रेन नंबर 8 में डालना चाहिए था। आप देखिए 10 साल बीत जाने के बाद भी इस समस्या का ये समाधान तक नहीं कर पाए। आप तो जो सवाल मुझे करना चाहिए था, आप मुझे लगता है कहीं ना कहीं BJP से मेरी तरफ से सवाल कर रहे हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के समय के अंदर
जहां हम देख रहे हैं केवल मात्र जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आज वो कितने दिनों से जेल में हैं, हमारे मुख्यमंत्री सुरेंद्र जी हैं उनको कितने दिन उन लोगों ने जेल में रखा, आप लगातार देख रहे हैं। क्या विपक्ष के सारे नेता ही हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है? आपको भी इतने साल हो गए, 10 साल बीत जाने के बाद भी क्या इनको एक भी नेता नहीं मिला बीजेपी के अंदर जिसने भ्रष्टाचार किया? तो मुझे लगता है केंद्र जांच एजेंसियां जो हैं, ये पहले ज़माने में कहा करती थी कि जो सीबीआई है वो पिंजरे में बंद है तोता, आज ये लगता है इन्होंने पूरी तरीके से जितनी भी केंद्रीय एजेंसियाँ, चाहे ईडी है, सीबीआई है, आपकी जो स्टेट एजेंसीज है, उनको इन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया है। और जितने भी आपके लोग हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनको दबाने का काम जो सत्ता पक्ष कर रही है, आने वाले समय के अंदर लोग भी इस बात को समझ रहे हैं और इस बात का जवाब मांगेंगे कि चुनाव के नज़दीक आते ही इस तरह की जो ये करते हैं, ये दर्शाता है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स है। सर, क्या प्लानिंग रहेगी? 10 साल का किला है बीजेपी का, उसको तोड़ पाएंगे? क्या प्लानिंग है कांग्रेस की आने वाले चुनाव? किला तो हम अपने आप ही देख रहे हैं कि ढह रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जहां कांग्रेस पार्टी पिछला चुनाव जब हम लोगों ने लड़ा था तब हमारी एक भी सीट नहीं आई थी, और जब विधानसभा के चुनाव हुए तब हम लोगों ने 31 सीट जीती। अब की बार तो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा, हमने 10 में से 5 सीटें जीती। उसके अलावा आप देखेंगे पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो वोट प्रतिशत है वो हर जगह बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी की जो वोट है वो हर विधानसभा में बढ़ी है। हमारे यहाँ पर करीबन 35,000 बढ़ी, आप अगर बावल में जाएंगे तो वहाँ भी 30 से 32,000 बढ़ी। तो हर जगह आप अगर आकलन करेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने लगातार अपना ग्राफ को बढ़ाया है। और ये जो पिछला चुनाव था, ये तो क्योंकि आप जानते हैं बाईपोलर होता है, विधानसभा चुनाव के अंदर और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे जो स्टेट के मुद्दे होंगे, जो आज बदहाली है प्रदेश की, उस सब चीज़ों को देखते हुए हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि सत्ता से भाजपा जो है वो बेदखल हो रही है और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी लोगों की जो इच्छा की सरकार है उसको बनाने जा रही है। इसी के कारण उन्होंने मुख्यमंत्री चेंज कर दिया। देखिए मुख्यमंत्री को कहीं सरकार आप मुख्यमंत्री को तब बदलते हैं जब आपको यकीन हो जाता है कि एंटी इंकमेंसी सरकार की है। तो आपने खुद ही इस बात के ऊपर स्टैंप लगा दिया कि आपने अच्छा काम नहीं किया 9.5 साल में, तभी तो आपने मुख्यमंत्री को बदला। मुख्यमंत्री को तब बदला जाता है जब मुख्यमंत्री अच्छे काम नहीं करते। आज प्रदेश बेरोजगारी के अंदर लगातार आप 10 साल से देखेंगे कि नंबर वन है। महंगाई आज किस हदर से बढ़ती जा रही है। कल ही मैं देख रहा था सीमा त्रिखा जी ने कहा कि आपके जो डॉक्टर्स हैं उनको भी आने वाले समय में कौशल रोजगार से लगाएंगे। तो आप ये बताइए, जो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए उन लोगों को भी अगर आप स्थायी रूप से रखेंगे तो आने वाले समय के अंदर क्या हालात होंगे हम देख रहे हैं। आज जो भी वर्ग आपका है, कर्मचारी, आंगनवाड़ी वर्कर, हम लोगों ने देखे वो धरने पे बैठे हुए हैं। आपके जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो धरने पे बैठे हुए हैं। और जो हमारी लाइफलाइन है डॉक्टर, वो अगर चले जाएं स्ट्राइक के ऊपर, ये दर्शाता है कि सरकार के क्या हालात हैं। तो मुझे लगता है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है आज जो चल रहा है और सरकार को इसकी तरफ तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। किन किन मुद्दों को कांग्रेस जनता के बीच में लेके जाएगी इस चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए। कांग्रेस पार्टी कोशिश ये करेगी कि जो छोटा व्यापार है उनको बढ़ाया जाए, छोटा मुद्रा जो लोन है जो आज नहीं मिल पा रहा है उसको बढ़ाया जाए, लोगों की जो महंगाई है उसके अंदर राहत दी जाए। हमारी ये कोशिश रहेगी छोटा व्यापारी जो है उसकी मदद की जाए। तो कांग्रेस पार्टी की तो सोच यही है कि 10 साल जो प्रताड़ित हर वर्ग रहा है उसको सहायता देने का काम हमारी सरकार करेगी। एक बड़ा आपका जो नेतृत्व कर चल रहे हैं हरियाणा मांगे साहब, क्या सीएम का चेहरा दीपेंद्र रहेगा? देखिए इस बात का फैसला तो कांग्रेस पार्टी करेगी कि सीएम का चेहरा कौन होगा। और इस बात का फैसला तो हमारे जब चुने हुए विधायक आते हैं, इसकी एक प्रक्रिया होती है हर पार्टी की, वो होती है सीएलपी की हमारी मीटिंग होगी। जब जीत के जो विधायक आएंगे जिसका नाम वो लेंगे उसके बाद पार्टी हाईकमांड इसका फैसला करेगी। नहीं अभी तो आप जानते हैं कि किसी भी पार्टी के अंदर, क्योंकि हम लोग अभी विपक्ष के अंदर है, विपक्ष में जब भी चुनाव होते हैं तो कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर कोई पार्टी आगे नहीं जाती है, कम से कम कांग्रेस पार्टी तो नहीं जाती है। आपकी तैयारी आप करेंगे या नहीं? चुनाव की तैयारी देखिए इस बात का फैसला तो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करता है कि चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। मेरी लगातार तैयारी है और हमारी कोशिश यह है कि रिवाड़ी रिवाड़ी नहीं, हम बावल की, कोसली की और आसपास की जितनी भी सीटें हैं
वहाँ जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करें। और इसीलिए हरियाणा मांगे हिसाब जो कार्यक्रम हुआ था वहाँ मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि उसके अंदर हम लोग सहयोग करें। हमने वहाँ भी सहयोग किया, कोसली में जब कार्यक्रम होगा वहाँ भी हम जाएंगे, रेवाड़ी में भी, क्योंकि अब 27 का कार्यक्रम है, उसके बाद हरियाणा मांगे हिसाब का कार्यक्रम भी होगा, वहाँ भी हम जाएंगे। हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि लोग जो आज इस सरकार से त्रस्त है उस सरकार से लोगों को राहत दिलवानी, आने वाले समय के अंदर जो सरकार कांग्रेस पार्टी की 10 साल रही, जब अनेकों विकास कार्य इस इलाके के अंदर हुए, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी बनी हो, चाहे खरखड़ा के अंदर कॉलेज बना हो, चाहे सेक्टर 18 के अंदर कॉलेज बना हो, चाहे आपका पानी का जो अतिरिक्त स्रोत जो बनाए गए वो हमारी सरकारें बनाए गए, बिजली घर बनाए गए, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि जिस तरह के विकास हम लोगों ने तब 10 साल में कराए थे उनको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करें। ठीक है।